और दूसरा एजेंडा दरगाहों के तहफ्फुज पर मुस्तकिल लायहे अमल की तश्कील। तीसरा एजेंडा हमारा है कश्मीर ता कन्याकुमारी, आसाम ता गुजरात सूफी कॉरिडोर की तंजीम। और पांचवा एजेंडा बाय इजाजत सदर, अगर कोई दूसरी तजावीज आप हजरात के इत्तफाक राय से सामने आती है तो उस पर भी ये खुसूसी बावकार संजीदा इजलास यकीनन गौर करेगा और कुछ अहम फैसले लेगा। मैं इस दरख्वास्त के साथ आप सबकी बारगाह में दावते इजहार ख्याल देना चाहता हूं कि वक्त मुख्तसर है और आप सबके जुमले बड़े गिराकदर हैं, तो अपने गिराकदर जुमलों को बड़ी एहतियात के साथ समेटते हुए मोतियों की मानिंद चुन चुन कर यहां रखें और कोशिश करें कि कम से कम जिसकी जो तारीफ आप कर सकते हो, यकीनन आप साहिब तारीफ भी हैं और इस बात के मजाज भी हैं कि तारीफ कीजिए भी और लोगों को तारीफ कराइए भी, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम अल्फाज में और जल्दी से जल्दी अपने गिराकदर ख्यालात का इजहार। दरगाह बम धमाके, मुजमरात व तहफ्फुज़ात, दरगाहों के तहफ्फुज पर मुस्तकिल लाए अमल की तश्कील, इन दोनों का बाहमी रिश्ता है, आपसी रिश्ता है। जाहिर है जो कोई बात की जाएगी अगर वो मुजमरात से होगी तो उसको दूर करके तहफ्फुज़ात पैदा किए जा सकते हैं, और अगर तहफ्फुज़ात पर होगी तो यकीनन मुजमरात पर रोक लगाएगी। ये ओपन सेशन है, आप हजरात मैं खुश आमदीद कहता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप में से जो हजरत भी यहां आना चाहें तशरीफ ला सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, मुख्तसर वक्त में कीमती बात है। हजरत जमा हुए हैं और जो रूहानी सिलसिले का समंदर आपको शऊर और फितरत के मुताबिक एकामाते रब कायनात से आदि बनाने के लिए या मुख्ता दोहरा रहे कि वो नूरानी और रूहानी सिलसिला है जिसे मुझे भी फख्र है कि मेरे जद्दे आला ने तमाम फितरती शऊरी मोहब्बती इंसानियत की सिफात के साथ इससे वसल किया है। मेरे अजीमुल बरकत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां साहब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेरे जद्दे आला सैयदना अली रसूल से वसल किया और उन्होंने तमाम इंसानी सिफात और शरीयत के ज़ेरे साया औलाद की हैसियत से कबूल किया। जो मेरे पास हरीर मौजूद हैं, इतफाक से बुढ़ापा है, मेरा शुगर में थोड़ी कमी पैदा हुई है या दाइश है, वो मैंने रखी थी कि ले जाकर मैं तहरीर दिखाऊंगा। मेरे सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां इस सरजमीन हिंद के नहीं, इंटरनेशनल रब की रहमतों और नबी पाक की नाइबी के समझे साहब एक नूर है जो खिदमात की है, आज उसका ये सब सिला है। उनकी ये नस्लें लगन के साथ इस्लाम की तमाम सिफात की तबलीग कर रही हैं, भटके हुए इंसानों को सिराते मुस्तकीम पर ला रही हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इहदिनस सिराते मुस्तकीम, ये दुआ है मांगी है हमने। सूर्य हम की आयत पाक है, मेरे इमाम लोगों ने मुख्तलिफ तर्जुमा किए हैं, अगर मेरे इमाम निज़ाम ने इसका सीधा तर्जुमा किया है, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, ज़बान उर्दू में बता दिखा ना। मेरे इमाम निज़ाम ने जो कंतुलिमान का तर्जुमा किया है वो अपनी जगह बेमिसाल है, ज़बान उर्दू के अंदर ना, उससे पहले किसी ने ज़बान उर्दू में किया ना, इंशाल्लाह भाई जब तक ऐसा कोई तर्जुमा कर सकता ना। चला ये अशरफियत की तमाम नूरानियत लगन के साथ अल्लाह के बंदो और नबी पाक के उम्मतियों को चलाने की तमाम सिफात के साथ लगन से बगैर किसी त
कमा के खिदमत कर रही है। मैंने प्रैक्टिकल भी देखा, ये लगता शुक्र है मैंने खानकाहों की तमाम सिफात को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों फितरत की तमाम सिफात के साथ महसूस किया है, मगर अशरफियत अपनी जगह पर एक सनद है। मैं मक्खन नहीं मार रहा हूँ, हक बात कह रहा हूँ। जो खिदमत की है आज भी और इंशाल्लाह हज तक वो सनद रहेंगी, और मैं मेरे तो ही अपने हैं, इसलिए कि मेरा इंदा शजरा भी है। आका के लिए हुक्म यह है मेरे आकाओं का कि जब हुजूर का जिक्र करो तो आका की हैसियत करना, आने वाली नस्लों, और जब नसबी जिक्र करना तो करना अली नाना है, अली दादा है, इस पर फख्र करना। ये अलविया जो मुंसारी है, मैं भी अलवी, ये भी अलवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हजरात इजाजत चाहता हूँ। न रहे ऐबको गौरी के मार के बाकी, न रहे ऐबको गौरी के मार के बाकी, आज भी ताजा